हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और स्पेशल क्लासेस जो अभी आप देख रहे हैं वो है सीट आउट और टेट के लिए। तो इन स्पेशल क्लासेस में आप जानते हैं हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को शेयर कर रहे हैं और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। तो इन सभी लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिए, बेस्ट मटेरियल रहेगा आपकी टेट परीक्षाओं के लिए। तो आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करूँगा, तो आप ज़रूर यहाँ पर देखें। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर और बेल बटन दबाकर जरूर जुड़ जाइए ताकि हर लेक्चर का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ओके, और यहाँ पर जो लोग अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं कर पाए हैं प्लीज़ ज़रूर कीजिए, आप ही के लिए बेनिफिट है। वहाँ पर फ्री कंटेंट है, आप अनअकैडमी.com पर सर्च कीजिए या फिर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, वहाँ पर अमित दीक्षित ये नाम आप डालेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको दिखेगी। वहाँ जो भी लेक्चर अवेलेबल हैं मेरी प्रोफाइल पर वो फ्री हैं आपके लिए और आप उनका पूरा बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टेट की तैयारी के लिए। ओके, और जो लोग मेरे फ्री कोर्स, जो मेरे पेड कोर्सेज देखना चाहते हैं जैसे अनअकैडमी पर जुड़कर, आप यहाँ पर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरे जितने भी कोर्स चल रहे हैं उन सभी को स्ट्रक्चर्ड वे में, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और फ़ायदा यह है कि एक बार का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें आप मेरे ही कोर्सेज नहीं बल्कि सभी एजुकेटर के कोर्सेज देख सकते हैं। तो ढेर सारे कोर्सेज हैं, रोज़ क्लासेस हो रही हैं 30 घंटे से भी ज़्यादा की, टेस्ट सीरीज़ हैं, नोट्स हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर हो जाएगा तैयार, तो आपको बेनिफिट ही रहेगा। तो आप सजेशन मेरा ज़रूर कंसिडर करें, उसको विजिट करें और देखें। और यहाँ पर मेरा राइट साइड में कोड दिया हुआ है अमित अंडरस्कोर दीक्षित, उसको अप्लाई कीजिए, ये दिख रहा है आपको, 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिलेगा, तो ये बेनिफिट आप मिस मत कीजिएगा। ओके, तो ये थी कुछ एडवाइस आपके लिए, आप ज़रूर देखें इसको और आइए टॉपिक पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक है हमारा बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित, एक कारक सिद्धांत को मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे पहले मुझे आपको थोड़ा बताना होगा बुद्धि के सिद्धांत क्या है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो देखिए, बुद्धि के सिद्धांत और कुछ नहीं है, यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की संरचना को, बुद्धि के स्वरूप को, यानी कि बुद्धि कैसे बनी है उसको अपनी अपनी तरह से बताया है और उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इसी वजह से उन्होंने जो सिद्धांत दिए, जो बातें कहीं, वो सिद्धांत बन गए। किसी ने कहा कि बुद्धि एक तरह की होती है, किसी ने कहा बुद्धि में दो टाइप होते हैं, दो हिस्से होते हैं, किसी ने कहा मल्टीपल होती है, बहुत बहुकारक होती है। तो सभी के अपने अपने विचार थे और उसी के आधार पर हम इन्हें डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको एक कारक सिद्धांत बता रहा हूँ बुद्धि का, वो जानते हैं कि वो क्या है। आइए, तो देखिए, एक कारक सिद्धांत में इन्होंने ये बताया है, सबसे पहले तो इसको प्रतिपादित किया था 1911 में और अल्फ्रेड बिने इन्होंने प्रतिपादित किया था, तो इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन थे और जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एम्बिगॉस थे, इन्होंने भी इसका समर्थन किया। तो कभी इनके नाम से कोई क्वेश्चन आए तो आपको समझ जाना है कि ये भी एक कारक सिद्धांत के सपोर्टर थे, ठीक है। और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था एक कारक सिद्धांत का, वो ये था कि एक कारक सिद्धांत में इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो अलग अलग नहीं है, बुद्धि एक ही है, समग्र रूप में है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर एक कार्य में इंटेलिजेंट है, एक फील्ड में इंटेलिजेंट है, तो वो हर फील्ड में इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, या एक कार्य को बुद्धिमानी से कर रहा है तो वो हर कार्य को बुद्धिमानी से करेगा। तो इनका यही मानना था, इन्होंने ये नहीं कहा कि बुद्धि सामान्य है, विशिष्ट है, 10 प्रकार की है, 5 प्रकार की है, नहीं, इन्होंने कहा कि बुद्धि एक ही है, समग्र मानी है, जो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बुद्धि सिर्फ एक कार्य को, मतलब एक ही साथ करती है, अलग अलग बुद्धि नहीं है। तो जैसा कि आगे आपको देखने मिलेगा बुद्धि के प्रकार आपको देखने मिलेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ बुद्धि को एक रूप माना है, इन्होंने अविभाज्य बताया है उसको, और उन्होंने कहा कि समस्त मानसिक क्रियाओं को बुद्धि एक ही रूप में प्रभावित करती है। तो समझ गए आप कि उन्होंने यही कहा कि बुद्धि को एक माना, इसीलिए एक कारक सिद्धांत है, उसके पार्ट्स नहीं किए, और ये हमें किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक रूप में आगे बढ़ती है, यही इनका सिद्धांत था। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और टर्मन ने इसे विचार करने की योग्यता बताया, जो टर्मन थे मनोवैज्ञानिक, और स्टर्न ने इसे नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की व्यवस्था के रूप में देखा, यानी कि नई स्थितियां आती हैं तो आप अपने आप को एडजस्ट कैसे कर रहे हैं, उन्होंने इसको इस तरह से कहा। ये सभी एक कारक सिद्धांत के सपोर्टर थे, तो इनका नाम याद रखना है। और एक कारक सिद्धांत भी मैंने आपको समझा दिया है, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल वे में आगे के कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस लेक्चर को बस मैं यहीं तक रखूंगा। ओके, तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब दबाइए बटन और घंटी का बटन आपको जरूर दबाना, यहाँ पर देख सकें, ठीक है। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर।